हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्यों आप लोगों को गूगल एड को सीखना चाहिए। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, आप व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, कोच हैं, कंसल्टेंट हैं, या किसी भी तरह का आपका कोई भी एक्स वाई जेड बिजनेस है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई यू शुड यूज अ टूल कॉल्ड गूगल एड्स। सो ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह एंड आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो गाइस, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए की जरूरत होती है। बिजनेस को अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो डेफिनेटली सिर्फ बिजनेस स्टार्ट कर लेने से वो स्टार्ट नहीं हो जाता है। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, राइट टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना होता है, तो जिसके लिए हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग। हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजिन मार्केटिंग, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक एड, गूगल एंड गूगल एड्स एंड सो ऑन। बट इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द गूगल एड्स, व्हाई आप लोगों को ये जो है क्यों सीखना जरूरी है। बिकॉज गाइस, देखिए, गूगल एक ऐसा सर्च इंजिन टूल है जो कि वर्ल्ड में सबसे नंबर वन पे है, टॉप पे है। एवरी डे देर आर बिलियंस बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सर्च एंड बिलियंस ऑफ बिलियन पीपल यूज दस, राइट। सो यहां पर हमारे जो भी एक्स वाई जेड किसी भी कैटेगरी का हमारा बिजनेस है, तो डेफिनेटली हमारी टारगेट ऑडियंस भी इस सर्च इंजिन के ऊपर अवेलेबल है। और डेफिनेटली गूगल का जो एल्गोरिदम है वो इतना स्ट्रांग है कि आपका जो टारगेट ऑडियंस, उसको जितना आप नैरो डाउन करेंगे, जितना भी आप टारगेट डिटेल्ड में जाएंगे, उसी हिसाब से आप जो है अपने राइट टारगेट ऑडियंस को विद वेरी लेस अमाउंट ऑफ, मतलब बहुत कम आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा और बहुत अच्छा ट्रैफिक जो है आप अपने बिजनेस के लिए जनरेट कर सकते हैं। ये एक ओवरव्यू दिया मैंने। अब गूगल एड जो है, इट्स नॉट दैट सिंपल, बिलीव मी गाइस, मैं भी एक बिजनेस ओनर हूं, राइट। आई एम श्योर कि हर बिजनेस ओनर जब एक बार ट्राई करता है, तो अगर आप में से भी किसी ने ट्राई किया होगा, तो आई एम श्योर आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं, राइट। और ये फैक्ट है, मैंने भी बहुत बार ट्राई करा, गूगल एड्स के ऊपर में एड्स रन करी, बिलीव मी गाइस, रिजल्ट नहीं मिलते हैं जब तक हम उसको डिटेल में पूरे टूल को समझ नहीं लेते हैं। वहां पर इतने सारे जो ऑप्शंस अवेलेबल है, कहां पर कौन से ऑप्शंस को हमने सेलेक्ट करना है, कौन से ऑप्शन को किस तरह की एड के अंदर जो है यूज करना है, ये अगर आप नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली आपका जो एड, अगर आप क्रिएट भी करना सीख लेते हैं किसी भी यूट्यूब वीडियो से, तो डेफिनेटली आप वहां पर फेल हो जाएंगे, आपका पैसा चला जाएगा, लेकिन आपको जो ऑडियंस चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। फाइनली मैं अगेन बोलूंगा, यहां पर आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट एड्स अवेलेबल है, चाहे फिर वो सर्च एड्स की बात करें तो सर्च एड में भी आपके पास में एक तो सर्च एड होती है, एक आपके पास में स्मार्ट सर्च एड्स होती है। डिस्प्ले एड्स की बात करें तो यहां पर भी आपके पास में दो कैटेगरीज हैं, स्मार्ट आपकी स्टैंडर्ड और आपकी एडवांस विच इज स्मार्ट, राइट। तो यहां पर जो है आपके पास में वीडियो एड्स अगर क्रिएट करनी है, डिस्प्ले एड क्रिएट करनी है, शॉपिंग कार्ट एड्स क्रिएट करनी है, तो देर आर लॉट ऑफ कैटेगरीज इन दैट। तो किस कैटेगरी को किस वक्त इस्तेमाल करना है, आप सेल्स जनरेट करना चाहते हैं, या आपका टारगेट जो है लीड जनरेशन करना है, या ब्रांड अवेयरनेस है, व्हाट एवर इज योर टारगेट ऑडियंस इज, अगर आप इन पूरे टूल को नहीं समझते हैं तो डेफिनेटली आप गूगल एड के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसा जो है वो बर्बाद करेंगे, खराब करेंगे। आपको जो ऑडियंस चाहिए है, जो टारगेट आपने सेट करा, वो नहीं मिल पाएगा। Once in a blue moon आपको कभी कोई कन्वर्जन देखने को मिल सकता है, बट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द गूगल एड टूल, बिकॉज अगर आप नहीं जानेंगे तो डेफिनेटली आप चीजों को सही तरीके से नहीं इंप्लीमेंट करेंगे। बिलीव मी गाइज, ये एक ऐसा समुंदर है जिसके अंदर आप अगर एक बार जंप कर गए तो आपको दूर दूर तक फिर कहीं पर भी कोई भी सपोर्ट नजर नहीं आएगी, कोई किनारा नजर नहीं आएगा। किनारा तभी नजर आएगा जब आप इसको सीख लेंगे, और सीखने के बाद में बिलीव मी गाइस, आपका जो रिजल्ट होगा और जो पहले आप खुद एक्सपीरियंस कर पाएंगे
कि आपका पहले जो आपने एड जनरेट करी थी उससे क्या एक्सपीरियंस रहा है, और सीखने के बाद आपका एक्सपीरियंस है उसमें आपका जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। बिकॉज मैं खुद एक ओनर हूं बिजनेस का, और मैंने भी ये सारी बिना सीखे भी करी, और उसके बाद अब सीखने के बाद भी जब मैं अप्लाई करता हूं तो अब मुझे जो कंट्रोल है एड्स के ऊपर में, जो अंडरस्टैंडिंग है कहां पर किस ऑप्शन का इस्तेमाल करना है और कहां पे किस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करना है, यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, कन्वर्जेंस कैसे, ऑडियंस क्या है, ये सब चीजें बहुत डिटेल्ड है इसके अंदर, एक एक ऑप्शन बहुत ही डिटेल्ड है। तो इसीलिए आपके लिए ये गूगल एड को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप गूगल एड पे बिना सीखे पैसा इन्वेस्ट ना करें, सीधा जाके पहले सीखें, और अगर आप कहीं और से सीखना चाहते हैं डेफिनेटली सीख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं तो डेफिनेटली आप मेरे से भी सीख सकते हैं। तो गूगल में आप एक बार एक महीने के अंदर आप मास्टर बन जाएंगे, सारे जितने भी टूल हैं इन एंड आउट सारी चीजें सीख जाएंगे। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को गूगल टूल का अगर नहीं विश्वास है, नहीं समझ में आता मैंने जो बोला वो सही है, तो आप खुद एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप आप लोगों को जो इंपॉर्टेंस है वो मैं समझाने में सक्षम हुआ हूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने लाइक नहीं करा, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और फिर मिलता हूं एक अमेजिंग प्रैक्टिकल गूगल एड के वीडियो के साथ।